ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਕਿਆ ਇਹ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਤੰਕ ਕੇ ਆਗੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਦੀਆਂ ਜਾਏ? ਕਿਆ ਚਾਰ ਆਤੰਕੀਓ ਕੀ ਵਜਹ ਸੇ ਜਿਨ੍ਹੋਂ ਹਮਾਰੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਏ, ਹਮਾਰੀ ਪਗੜੀ ਪੇ ਦਾਗ ਲਗਾਇਆ, ਹਮੇ ਹਤਾਹਤ ਕੀਆ, ਕਿਆ ਉਨਕੀ ਵਜਹ ਸੇ ਦੇਸ਼ ਕਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਆ ਉਨਕੀ ਵਜਹ ਸੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਆਗੇ ਨਹੀਂ ਪੜੇਗੀ? ਕਿਆ ਉਨਕੀ ਵਜਹ ਸੇ ਆਪ ਇਹ ਚਾਹਤੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋ ਦੇਸ਼ੋਂ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਓਂ ਕੇ ਨਿਰਣੇ ਲੀਏ ਹੋਏ ਉਹ ਸਕਟਲ ਹੋ ਜਾਏਂਗੇ? तो फिर आप उनको तूल दोगे, तो फिर आप उनको बढ़ावा दोगे। इसीलिए यहां नवजोत सिंह सिद्धू पेश है कि ये देश का, इस सूबे का विकास कोई आतंकी गिरवी नहीं रखेगा। और ये जो आज अनाउंसमेंट्स हुई हैं, पिछले 70 साल देख लीजिए, क्या कोई ये दम रख के ये अनाउंसमेंट्स कर पाया है? एक देश को आतंकियों के आगे कोई झुका नहीं सकता, ये बात बड़ी स्पष्ट है। इसीलिए नवजोत सिंह सिद्धू यहां है, घुटने टेकने वाला नहीं है। दूसरी बात जो मैं आपको आज करना चाहता हूं, मेरी बात जो होती है ना उसको डिस्टॉर्ट किया जाता है, एक लाइन बोली जाती है उसमें, उसको पूरी तरह से दिखाया नहीं जाता, क्योंकि बहुत लोग भयभीत होते हैं, समझ रहे हो ना, इनसिक्योर भी होते हैं। लेकिन मैंने यही कहा था, जो कल कहा था आज भी वहीं खड़ा हूं, कि आतंकवाद का ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब है, ना कोई देश है, ना कोई साथ है। और जैसे लोहा लोहे को काटता है, आग आग को काटती है, सांप जब डंक मारता है तो उसका एंटीडोट सांप का विष है, वैसे ही कुचला जाना चाहिए कहीं पे भी। और यही स्टेटमेंट कल थी, लेकिन इसमें से एक चीज उठा लेते हैं वो, और वो चीज उठा के फिर सुन, मैं आगे बता रहा हूं आपको, आगे मेरी पहली बात सुन लीजिए, तो उसके बाद आप जो निर्णय को करें वो आपके ऊपर है, आप बहुत सयाने लोग हैं। जिस डायलॉग की बात की थी कि 70 साल से ये बंद नहीं हुआ, जब कोई पॉलिटिशियन जाता है तो शहर जाम हो जाते हैं, जब 3,000 जवान जाता है तो भाई ट्रैकर क्यों नहीं चलता? तो फिर भाई उन जवानों की जो हमारी सुरक्षा के लिए रात दिन लगाते हैं, उनकी सुरक्षा का ध्यान क्यों नहीं रखा जाता? और उसका एक डिमोरलाइजिंग इफेक्ट आता है, क्यों उनको बाय एयर नहीं ले जाया गया सवेरे 3 बजे से वो चलते? ये चिंतन के विषय है। सारा देश एकजुट होकर लड़ रहा है, लेकिन क्या इन 3-4 लोगों की वजह से आज करतारपुर साहब के कॉरिडोर पे क्वेश्चन मार्क लगेगा? प्रधानमंत्रियों के किए हुए निर्णय पे क्वेश्चन मार्क लगेगा? बाबा नानक भी बाबर से लड़े थे, बाबा नानक के चरणों की धूल है ये नवजोत सिंह सिद्धू, लेकिन बाबा नानक की फिलॉसफी क्या थी?
क्या है ये सारी दुनिया जानती, उस फिलॉसफी को एक इंच भी कोई नीचे नहीं कर सकता, और उस फिलॉसफी के लिए नवजोत सिंह सिद्धू ठोक के खड़ा होगा। एक मिनट आगे 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 बोल ले, एक मिनट बोल ले, आप मेरे खत्म कर लेती है, एक मिनट। दूसरी बात, आखिर में वंदे एक्सप्रेस प्राइम मिनिस्टर साहब ने उद्घाटन किया, आज हम भी वही कर आगे आगे मैं मेरी बात समझिए। उसके बाद एक मिनट मेरे को खत्म कर लीजिए ना, मेरे को खत्म कर लीजिए, फिर आप बोलिए। आगे ये कहना चाहता हूं कि मैंने ये कहा था कि जहां जहां ऐसा होता है वहां अच्छाई का द्वार खुला होना चाहिए और बुराई को कुचलना चाहिए। एक मिनट तो भाई जो कल अम्बेसडर से हो रही थी वो क्या था? एक मिनट सुनिए, मेरी बड़ी सिंपल सी बात है, फिर आप जो करना चाहें कहिए करिए। यही कहा था कि भाई इसका परमानेंट सोल्यूशन निकलना चाहिए, जवान ही क्यों खून से लथपथ हो, क्यों शहादतें हों, इसका प्रिवेंटिव मेजर आना चाहिए, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। 71 साल से जो हो रहा है वो दोबारा क्यों हो ये, और ये कैसे हो सकता है, इसको कैसे रोका जा सकता है? इंटरनेशनल प्रेशर जो कि कल हुआ, आप देखिएगा कि करीब 50-60 अम्बेसडर से मुलाकात हुई, कहां मैंने ये कहा है कि इनको सजा मत दो, कहां कहा है उसको। अगर आप डिस्टॉर्ट करके चलाना चाहते हैं, कोई चलाना चाहता हो तो वो आज भी कर सकता है, मुझे उसके कोई आपत्ति नहीं है, मेरी कॉन्शियंस बिल्कुल क्लियर। मैं लास्ट खत्म कर रहा हूं, उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और लास्ट चीज have some regret of giving a hug to Bajwa as a human, you know, you feel bad, they have cheated you, I feel we all have been cheated along with just you. Hold on, I have repeated this 1,000 times. Mujhe bulaya gaya, nyote bheje gaye, ek dost ke nate mein gaya, pradhanmantri ji to bin bulaye chale gaye the. जब एक मिनट, नो होल्ड ऑन, ही वाज़ द प्राइम मिनिस्टर, जस्ट लिसन टू मी नाउ, यू आस्क अ क्वेश्चन, लेट मी रिप्लाई। बिन बुलाए चले गए थे, वही जब भी उन्होंने भी डाली, ठीक है। एक मिनट, डोंट रिग्रेट, एक मिनट। उसके बाद वो वापस आए, पठानकोट हुआ, अटल जी जब गए कारगिल हुआ, ठीक है। लेकिन जब उसके बाद यहां आया, वहां से कोई आवाज नहीं आई, समर्थन की आवाज आई और बाबा जी का लांगा खुला। और मैंने क्या कहा था, यही कहा था, तब लोग हंसते थे, आज वही लोग मेरे साथ गए, फिर वहां क्यों गए? ये जो लोग आज किरकिरी वाली बात करते हैं, ये वहां साथ में बैठे थे। देखिए कैप्टन साहब की बात, तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये इसी तरीके से रुक सकता है ये, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो मैंने सवाल किए हैं और जो मैंने आज कहा है कि 4 आतंकियों की वजह से ये देश का प्रोग्रेस नहीं रुक सकता, ये इस देश का सबसे बड़ा सिखों का
जो कॉरिडोर है वो नहीं खुला। अब सवाल ये है, सवाल ये है कि दो, अब सवाल ये है कि सिद्धू साहब के लिए देश पहले के दोस्ती, मेरे लिए जानना चाहता कि सिद्धू साहब के लिए मेरे लिए हमेशा ही देश पहले था, हमेशा ही, मैंने कहीं जिक्र ही नहीं किया। और हमेशा ये कहा मैंने, और मेरी पहली लाइनें सुन लीजिए कि इट इज अ कावर्डली एक्ट, कायरों का किया हुआ एक्ट है, उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, सांप को कुचलना चाहिए। कहां कहां नहीं कहा भैया, उसका जवाब वो दे सकते हैं, मैं कहां से दे दूं? क्या बात कर रहे हो तुम, बिना मतलब के बात मत करो, इसका कोई जवाब नहीं। मैं कह रहा हूँ सारे देश को जवाब दे रहा हूँ, समझे, सारे देश को जवाब दे रहा हूं कि ये एक कावर्डली एक्ट, कल कहा आज कह रहा हूं, हमेशा अड़ा रहा हूं, इट्स अ कावर्डली एक्ट, इट्स अ कावर्डली थिंग टू बी डन, पीठ के पीछे वार करना। लेकिन इसके साथ ये भी कह रहा हूं, ये भी कह रहा हूं कि ये बार बार क्यों दोहराया जाता है, हमारे हमारे जवानों की जाने बार बार क्यों जाती हैं? भाई जब कोई पॉलिटिशियन जाता है तो उसके साथ सारा शहर बंद हो जाता है, तो जब 3,000 जवान जाता है तो फिर ट्रैकर क्यों नहीं आता, सिक्योरिटी क्यों नहीं आती? जवाब देना चाहिए। देखिए, एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, मैंने कल भी कहा था, आज भी कहा, आज भी कहता हूं, देयर इज द गुड, द बैड एंड द अगली हैव टू बी पनिश्ड। ये चार लोग पूरे समाज को, ह्यूमैनिटी को और अच्छे कार्यों को, 12 करोड़ लोगों को रैंसम पे होल्ड नहीं कर सकते, दे हैव टू बी पनिश्ड, दे हैव टू बी क्वेल्ड, समझे? ये मैं बार बार आपको कह चुका हूं, मैं क्या, यदि यही चीज जो है, एक मिनट, कल सुरजीवाला साहब ने कॉन्फ्रेंस की, ये चीज 1,000 गुना बढ़ गई है, तो 56 इंच का चीना कहां गया? ओके।